अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज जुमा है और जुमे की बिरयानी हम लोग बना रहे हैं। बिरयानी स्पेशल है आज जुमे की, तो इसमें हम आपको बताना भी चाहते हैं कि किस तरह से बिरयानी बनाते हैं। एकदम स्पेशल बिरयानी आज बनने वाली है दोस्तों। तो अब कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ मतलब उसमें चाहिए, एक एक स्टेप हम आपको इस वीडियो में रिकवर करने वाले हैं। और आपको मतलब बनने के बाद किस तरह से टेस्ट कैसा होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इसको बिरयानी को बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए जो कि हमारे घर में ही मिल जाएंगी। हमें कहीं मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हमें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको चिकन ख़रीद लेना है। यहाँ पे देखिए, चिकन हमने 900 ग्राम चिकन लिया है और लगभग 4 लोगों की बिरयानी यहाँ पे बन रही है। 900 ग्राम चिकन लिया है। और यहाँ पे देखिए, मसाला हमने कोई भी आप मसाला आप यूज़ कर लीजिएगा। मसाला हमने बिरयानी मसाला लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा धनिया लिया है, यहाँ पे लहसुन है और अदरक है जिसको जिंजर गार्लिक बोलते हैं इंग्लिश में, और ये है मिर्ची चिली। तो इसको हमें, ये जो है, इसको हमें थोड़ा मिक्स कर लेना, मिक्सर में हमें ग्राइंड कर लेना है, ताकि मतलब अब इतना बड़ा बड़ा साइज़ रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो मसाला अच्छे से बन सके। और हम लगभग 3 टमाटर ले रहे हैं 900 ग्राम बिरयानी के लिए, 3 टमाटो ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि कोरिएंडर लिया है हमने, धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीफ, और ये पुदीना हमने रखा है। ये हम पुदीना को हम बिरयानी बनने के बाद में लास्ट में यूज़ करेंगे। ये धनिया भी हम जब मसाला हमारा पकेगा तब हम उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए, लगभग 3 से 4 प्याज आप, ओनियन आप कट कर लीजिएगा, इस तरह से कट कीजिएगा, या फिर आप जैसा भी आपको कट करना है कट कर लीजिएगा। और इस तरह से इतनी इतनी चीज़ों की ज़रूरत है हमें चिकन बिरयानी बनाने के लिए। और बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाने वाले हैं। अब सारी चीज़ें हम आपको स्टेप स्टेप बाय बताते हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या क्या प्रोसेस है बनाने का। और आप वीडियो को आप देखिए और एक एक चीज़ स्टेप में आप देखिए, और आप भी अपने घर पर बनाइए, और बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो कंटिन्यू करिए, और वीडियो अभी हम पुश कर रहे हैं और आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए हम गैस पे आ गए हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पे कुकर में हम बना रहे हैं। तो इसमें अभी हम ऑयल डालेंगे, पहले ऑयल डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल देखिए हीट हो चुका है। अब इसमें हम कमिन सीड डालेंगे, जीरा जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसको हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये डालने के बाद अभी हम ओनियन को डालेंगे इसमें। फ्रेंड्स, कुकर में देखिए ओनियन हमने डाल दिया है, और इसको ब्राउन होने तक इसको हम इस तरह से थोड़ा फ्राई करेंगे। तो हम वेट कर लेते हैं तब तक, इसको थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। और इसको मीडियम फ्लेम में आप पकाइए, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं करिए और बहुत लो भी नहीं करिए, मीडियम फ्लेम में आप इसको थोड़ा ब्राउन होने दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ओनियन हमारा ब्राउन हो रहा है, और इसमें बे लीफ हम डाल देंगे, तेज पत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इसमें डाल देंगे और डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसमें हमें डालना है चिल्ली, जो ग्रीन चिल्ली हमने कटा हुआ था वो चिल्ली को हम इसमें डालेंगे, वो भी डाल देते हैं। इस तरह से चिल्ली को भी मिक्स कर देंगे इसमें। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे, थोड़ा गोल्डन कलर का ऑनियन हो जाएगा तब तक हम वेट करेंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है। और इसमें हमने देखिए वो जो जिंजर और गार्लिक जो बोला था उसको हमने मिक्स कर लिया है मिक्सर में। इस तरह से आपको बना लेना है, जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा मिंट डाला हुआ है, पुदीना, और इसमें धनिया डाला हुआ है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, और बनाने के बाद इसको थोड़ा ब्राउन होने दीजिए, गोल्डन कलर होने दीजिए, उसके बाद इसको डालिए और हम वेट कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ओनियन हाफ ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें जो गार्लिक पेस्ट हमने बनाया था, गार्लिक ओनियन पेस्ट, वो पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हम डाल देते हैं। इसको फ्रेंड्स, हमने गार्लिक पेस्ट को हमने डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लीजिए, पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस के फ्लेम को थोड़ा कम करना होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जिंजर गार्लिक जो है वो फ्लेम कम अगर नहीं करेंगे तो जल जाएगा। यहाँ पे फ्लेम कम कर लीजिए, और इसको जो है लगभग 1 मिनट तक इसको ऐसे पकने दीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, चिकन का जो राइस है, राइस पकाने के लिए हमने वाटर यहाँ पे बॉईल हम कर रहे हैं,
ताकि, और यहाँ पे 10 मिनट के लिए हमने देखिए यहाँ पे राइस को भिगा के रखा हुआ है 10 मिनट से, ताकि हमारा जो है राइस जो है हमें 80% ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। उससे ज़्यादा पकाएंगे तो बिरयानी का जगह पे बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप 10 मिनट के लिए आप भिगो के रख लीजिएगा राइस को, क्लीन करके फ्रेश वाटर में डाल के इसको भिगो के रखना है। और वाटर आपका इस तरह से बॉयल होगा, इस तरह से बॉयल हो जाएगा तो आपको इसमें राइस डाल देना है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी ध्यान देना है, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। तो देखिए लगभग में सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पक चुकी हैं, और 1 मिनट हम और इसमें पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो डालेंगे और धनिया डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 1 मिनट तक और इसको पकने दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट कलर हमारा हो गया है ओनियन गार्लिक जिंजर का, और इसमें चिली भी हमने डाला था। और अभी हमें यहाँ पे डालना है टोमेटो, हमने इस तरह से काट लिया है, और यहाँ पे मिंट भी हमने काट लिया है, पुदीना और धनिया भी काट लिया है। तो इसको हम एक ही साथ मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे, तो इसको भी हम डाल देते हैं इसमें। इस तरह से डालने के बाद फ्रेंड्स आपको फ्लेम हल्का सा आपको बढ़ा लेना है, मीडियम कर लेना है, क्योंकि हमने बहुत स्लो किया हुआ था, और यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम कर लिया है। और इसको मिक्स वेल अच्छे से एकदम मिला लीजिए पूरा, जो भी ताकि हमारा जो जो भी मसाला हमने इसमें पहले डाला था वो पूरा अच्छे से मिल जाए। इसको अच्छे से चला लेना है आपको, और मिलाने के बाद इसको भी थोड़ा टाइम तक आपको पकाना है, जब तक कि ये आपका टोमेटो जो है वो अच्छे से गल ना जाए। तो इसको भी हम कर लेते हैं, तब तक के लिए वीडियो को पुश करते हैं। और इसमें अभी हम देखिए राइस डालने वाले हैं, क्योंकि हमारा वाटर जो है पूरा बॉयल हो चुका है। इसमें हम राइस डाल के 80% तक हम इसमें पका लेंगे, तो ये प्रोसेस तब तक कर लेते हैं, और इसको तब तक के लिए पकने देते हैं अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम पकने देते हैं। फ्रेंड्स एक नई खोज, नई खोज में ये क्या है कि अगर आपको टमाटर अगर जल्दी गलाना है आपको साल्ट डाल देना है, हल्का सा हल्का सा ऊपर इसमें साल्ट डाल दीजिए, और इसको डाल के आप मिक्स कर दीजिए। फिर उसके बाद आप टेस्ट अनुसार आप साल्ट डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इसमें साल्ट डाल रहे हैं, उसके बाद आप दोबारा इसमें साल्ट डालेंगे तो आप सोच समझ के ही डालिएगा, आपके टेस्ट के अनुसार आप टेस्ट कर लीजिएगा उसके बाद ही डालिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं टोमेटो हमारा लगभग में गल चुका है, अच्छा हो चुका है। और यहाँ पे अभी हम डाल देंगे बिरयानी मसाला, जो कि हमने आपको पहले दिखाया था। बिरयानी मसाला आपको इस तरह से डाल देना है, और इसको हम मिला लेंगे, और इसमें हल्का सा हल्दी डाल देंगे, टर्मरिक हल्का सा डालेंगे, बहुत ही हल्का सा। तो मसाला हमने मिला दिया है, इसको हल्का सा आप स्पून यूज़ कर सकते हैं, हमें एक स्पून यूज़ करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ से हम इस तरह से थोड़ा सा हल्दी डाल दिए हैं, और इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें बहुत हल्का सा पानी आपको डालना होगा ताकि आपका मसाला पूरी तरह से मिक्स हो जाए और जले ना, तो हल्का सा पानी हम डाल देंगे। पानी आपको लगभग इतनी ही मात्रा में डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो वही बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी बिरयानी। और यहाँ पे फ्लेम देखिए, फ्लेम हम कम कर ले रहे हैं, क्योंकि हल्के फ्लेम में मसाला आप पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, और थोड़ी टाइम तक आपको इसको मसाला को पकाना है, जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक आपको मसाला पकाना है। इसमें लगभग आपको 3 से 4 मिनट 5 मिनट लग सकता है, आपके फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है, और आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ऑयल आपको ऊपर आना चाहिए, और इसको समय समय पर मिक्स करते रहिएगा, चलाते रहिएगा, ताकि नीचे पकड़े ना, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं राइस हमारा 80% लगभग हो चुका है, आप देख सकते हैं 80% हो चुका है। इस राइस को अभी हमें फ़िल्टर कर लेना है, मतलब पानी को हमें फ़िल्टर कर लेना है और राइस को अलग कर लेना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस टाइप के बर्तन को, इसमें हम राइस डाल देंगे, पानी पूरा नीचे चला जाएगा और सिर्फ बचेगा राइस, बिरयानी राइस। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ऑयल पूरा मसाला के ऊपर आ चुका है, और इसमें अभी हमें चिकन को डाल देना है। तो लगभग 900 ग्राम चिकन हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चिकन हमने डाल दिया है, और इसको हम मसाला के साथ में मिक्स कर लेंगे,
इस तरह से चला के पूरी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसी में हम पकाएंगे। इसमें और कुछ पानी वगैरह आपको ऐड नहीं करना है, एकदम आपको बिरयानी का मसाला जो आपका होता है वो थिक होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसको हम पकने देंगे। अब चाहिए तो आपकी रिक्वायरमेंट, अगर बहुत ही ज़्यादा, अगर यहाँ पे सूखा अगर आपको दिख रहा है तो हल्का सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा ही ऐड करिए। और इसके बाद आपको थोड़ा सा मतलब इसको मतलब चिकन को हल्का सा पकने दीजिए, उसके बाद आप इसमें साल्ट डाल दीजिए, आप अभी भी ऐड कर सकते हैं। इसके पहले हमने साल्ट ऐड किया था तो उसके हिसाब से हम इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे, ना कि उसको भूलिएगा नहीं। तो मतलब ये चीज़ जो है साल्ट में थोड़ा ध्यान देना है, आप टेस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट अनुसार आपके साल्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसको हम थोड़ा हल्का सा चाहिए तो पानी डाल देते हैं और इसको हम पकने देते हैं थोड़ा समय के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, हम यहाँ पर साल्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब नमक हम हल्का सा ऐड कर रहे हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करना है, क्योंकि टेस्ट हमारा नहीं तो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने देते हैं। फ्रेंड्स, आपको चिकन को मसाले में अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको पूरा आप चिकन को डुबा दीजिए ताकि ये पूरी तरह से पक सके, और इसको हम जब तक अच्छे से चिकन हमारा पक नहीं जाता तब तक हमको इसको पकाना है, वो भी आपको मीडियम लो फ्लेम में आपको पकाना पड़ेगा। फ्लेम हाई नहीं करिएगा, मतलब आँच इसका जो है गैस का कम ही रखिएगा और मीडियम रखिएगा अगर आपको रखना है तो, क्योंकि ज़्यादा अगर आँच आप बढ़ा देंगे, फ्लेम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब नीचे से पकड़ना चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ी समय के लिए हम इसको ढक देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं चिकन हो चुका है, चिकन पूरी तरह से पक गया है, और यहाँ पर देखिए लेग पीस जो है, अगर इस तरह से अगर अलग अलग अगर हो गया तो समझिए चिकन पक गया। वैसे भी इसको टच करके भी आप चेक कर सकते हैं पका हुआ है कि नहीं, और ये पूरी तरह से पक चुका है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, राइस भी पूरी तरह से अच्छी तरह से पक चुका है, 80% हमने बोला था 80% पकाना है। राइस को देखिए, एकदम बहुत ही बेस्ट एकदम राइस हुआ है 80%। इसको आप इस तरह से चेक करेंगे, देखिए 80% मतलब 80% मीन यही हुआ कि मतलब पूरी तरह से 100% नहीं पकना चाहिए, हल्का कच्चा रहना चाहिए, क्योंकि अभी इसको हम जब चिकन का जब हम लेयर बनाएंगे तो लेयर बनाने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो चिकन का जो खुशबू है, जो टेस्ट है, वो हमारे राइस में पूरी तरह से मिल जाए। तो इस तरह से हमने बोला था आपको कि 80% आपको पकाना है, मतलब राइस जब आपका उबलने लगे पूरी तरह से उसको टच करके देख लीजिए, पूरी तरह से नहीं दबना चाहिए, मतलब हल्का सा इस तरह से रहना, जैसा हमने अभी देखी इस तरह से राइस होना चाहिए इसको दबाने के बाद इस तरह से। तो इस तरह से हम अभी सारी चीज़ें अभी पक चुकी हैं, यहाँ पे देखिए चावल भी पक चुका है और चिकन भी यहाँ पे देखिए हो चुका है। अब हम इसको जो है एक दूसरे बर्तन में, कोई भी खाली बर्तन आपका होगा या फिर आपके पास अगर एक्स्ट्रा बर्तन होगा तो आप उसमें आप यूज़ कर लीजिएगा। हम इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर आपको इसमें लेयर बना के और इसको हम फाइनल प्रोसेस हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चिकन हमने अलग कर लिया है, और यहाँ पे देखिए फाइनल प्रोसेस में देखिए फ्लेम आपका लगभग इतना ही होना चाहिए, बहुत ही हल्का फ्लेम रखिए ताकि जले ना। और इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें नीचे हम डाल देंगे ताकि नीचे का जो मतलब ये हल्का सा जले, और जलने के बाद जो राइस है उसमें इसकी खुशबू जो है घुल सके। तो इसको हम इस तरह से इस पर रख दे रहे हैं, और ये हमने लेयर बना लिया है, लेयर मतलब नीचे हम कुछ परत में इस तरह से हम चिकन डाल देंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा राइस डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे, फिर राइस डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे, इस तरह से हम पूरा फिल करेंगे। तो ये भी हम आपको प्रोसेस वाइज दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, चिकन का ग्रेवी हमने नीचे हल्का डाला हुआ था, उसके बाद हमने इस तरह से राइस डाल दिया है, और इसके ऊपर हम वापस हम चिकन रखेंगे। कुछ इस तरह से आपको चिकन यहाँ पर रख लेना है, फिर वापस इस पर हम राइस डालेंगे एक लेयर। इस तरह से फ्रेंड्स आपको देखिए राइस का वापस एक लेयर बना लेना है, मतलब राइस से आपको चिकन को ढक देना है, और वापस इसी तरह से आप पूरा जितना भी आपका चिकन राइस होगा, आपका जो भी बर्तन होगा, उसमें आप ऐसा लेयर बना बना के आप फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद आपको इसको 1 से 2 मिनट आपको इसको ढक के पकाना है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, और इस तरह से हमने लेयर बना के पूरा राइस और चिकन सब मिक्स करके फुल कर दिया है। और यहाँ पे हमने थोड़ा ग्रेप ये धनिया हमने मैश कर दिया है, और टमाटर का पतला लेयर काट के यहाँ पे
डाल दिया है और इसको हम ढक देंगे, और ढक के बहुत ही कम फ्लेम में इसको हम थोड़ा सा और इसको पका देंगे, ताकि इसका जो भी मतलब चिकन का जो भी टेस्ट है वो मतलब स्मेल वो पूरा अच्छे से एकदम पूरा इसमें फिल हो जाए, ताकि महक उस बिरयानी की जो महक है वो बहुत अच्छी हमें मतलब मिले और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको इस तरह से करके आप लगभग लो फ्लेम पे एकदम इसको आपको 2 से 5 मिनट तक आपको रख देना है। फ्लेम इस बेस पे करिएगा ताकि आपका जो है बिरयानी आप जले ना, और इसको ढक देते हैं। अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो कुकर में लगा दीजिए, और अगर जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उसको ढक के या तो फॉइल से आप पूरी तरह से कवर कर लीजिए, और इसको आप 2 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे आपको इस तरह से पकाना है। उसके बाद फाइनली हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी और फिर खाया जाएगा। फिर आपको उसके बाद का दिखाते हैं किस तरह से बिरयानी हमारी हुई और टेस्ट क्या होगा, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब अब लोगों से पूछेंगे टेस्ट कैसा है तो वो लोग जो भी रेटिंग होगा बताएंगे, और आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा और बना के टेस्ट करके देखिएगा। बहुत ही यम्मी बिरयानी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है इस तरह के प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो। तो वीडियो को जो है हम थोड़ी समय के लिए पुश कर देते हैं, और फाइनल वीडियो हम थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप वीडियो अंत तक आप बने रहिएगा। और इसको हम थोड़े समय के लिए ढक देते हैं। फ्रेंड्स फाइनली देखिए बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, बन गई है, और जुम्मा मुबारक आप लोगों को। और हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं एकदम, और ये हम हैं, हमारा विकास नाम है, विकास विश्वकर्मा। और ये वीडियो आपका बिरयानी बनाने का वीडियो आपको जो है दोनों चैनल पे मिल जाएगा, शमशाद भाई के भी चैनल पे मिल जाएगा, शमशाद जी के चैनल का नाम है, और हमारे चैनल का नाम है ग्रोथ एंड लेवल अप। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर जाके आप और भी ढेर सारी टेक्निकल वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएंगे, उस चैनल पे आप उस पर जाके देख सकते हैं। और अभी हम लोग खाना से, तो इस तरह से आप भी वीडियो जो है मतलब देख के पूरा वीडियो फुल वीडियो देख के आप अपने घर में बनाइएगा। और अब शमशाद भाई और यहाँ पे देखिए सलमान भाई हैं, और अभी ये लोग से पूछेंगे कि कैसा है मतलब बिरयानी का टेस्ट कैसा है। शमशाद भाई यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करिए, आप लोग शुरू करिए और देखते हैं कैसा टेस्ट है, आप लोग पहले बताइए। चलो खाओ उसका। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सलादा भी रेडी है, हैदराबाद वाला सलादा है। चलिए शमशाद भाई बताइए कैसा है टेस्ट, कैसा है? अच्छा टेस्ट है, बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ। इसका क्रेडिट आपको जाता है, आप बनाए हैं बिरयानी। अरे अरे आप बताइए सलमान भाई। बहुत जबरदस्त बनी हुई बिरयानी। ओह माय गॉड, बिरयानी बना। चलिए चलिए, थैंक यू यार आप लोगों, थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए बिरयानी का लुक भी बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया बिरयानी, बहुत टेस्टी बनी हुई है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिए कैसा बिरयानी बना हुआ है। आप लोग भी बना के उसके बाद टेस्ट करने के बाद कमेंट करिए कि किस तरह से बिरयानी बना हुआ है, और खा भी सकते हैं आप लोग, आइए ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।